हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट में। ये 12th क्लास की वीडियो है, 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। इसमें आपका जो तीसरा चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारा, उसकी ये चौथी वीडियो है। इसमें आज बहुत ही शानदार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 2021 के लिए ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी बार आ चुका है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन में तथा वैद्युत धारा में संबंध, या कभी कभी धारा घनत्व में संबंध, या अपवावेग और वैद्युत धारा में संबंध, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको प्यार से समझ लेना। डेरिवेशन है, बहुत ही प्यार से समझेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा, हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन की जब परिभाषा करी थी, ठीक वही हम यहाँ पर करेंगे। एक मान लीजिए कोई चालक है, इसको बना लेगा चित्र को, ठीक है। इस तरीके से बनाऊंगा चालक को, गोल टाइप का बनाऊंगा, ठीक है। ये कोई क्या है, चालक है, ठीक है। ये चालक है, कोई चालक तार समझ लीजिए, कोई चालक तार, चालक तार है। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो अनियमित गति करते हैं, जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसके धन सिरे की ओर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। जिस वेग से, यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा है कि इस जो तार लिया था, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो ऐसा समझिएगा ये तार है, तो इसका ये यहाँ से जो ये कितना ये है क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये काटने के बाद ये सरफेस है कितना है, पाई आर स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, वो वाला। तो ये क्षेत्रफल, इसकी लंबाई कितनी है, इस तार की हमने लंबाई मान ली है, तार की लंबाई कितनी है, एल है। ये थ्योरी लिखनी है आपको कि माना एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा लंबाई एल है, इसको एक बैटरी से जोड़कर विभव देते हैं तो इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर अनुगमन वेग वीडी से चलने लगते हैं। किस वेग से चलने लगते हैं, इनका जो वेग है वो कितना है, वीडी से चलने लग रहे हैं इधर की ओर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, हमने माना, यहाँ से देखो बहुत प्यार से समझो, बहुत ही प्यार प्यार से देखो, दो तीन स्टेप है बस। हमें एक तो अनुगमन वेग और एक धारा का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब देखो संबंध का मतलब पहले समझो, तो बात ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और अनुगमन वेग को हम वी डी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आना है, इन दोनों की सहायता से एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आओ कि उसमें ये दोनों प्रेजेंट हों। एक ऐसा फॉर्मूला ज्ञात, संबंध का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला ज्ञात करो जिसमें ये दोनों आ रहे हों, तो हम कह देंगे ये इनका संबंध है, ये चीज। क्योंकि बहुतों को तो यही नहीं पता होती हमें करना क्या है संबंध का मतलब। तो हम धारा, धारा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो धारा से पहले धारा का फॉर्मूला यदि मैं नॉर्मली बात करूं तो क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर क्यू आवेश का मान निकालूंगा और मैं टी का समय का मान निकालूंगा और धारा के मान में मैं रख दूंगा, तो आपका ये संबंध निकल जाएगा, ठीक समझ में आ गई। तो देखिएगा आवेश कैसे निकलता है, और आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एमई। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हम बात करेंगे, माना ये जो तार है, ये जो चालक है, चालक तार के एकांक आयतन में इसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो एन है। तो हमने माना चालक तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर स्मॉल एन, कितनी स्मॉल, ये एच सी मत समझ लेना, ये स्मॉल क्या है, स्मॉल एन है। इसके एकांक आयतन में कितनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन है। तो इसके संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, संपूर्ण आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो मैंने कैपिटल एन मान दी, तो कितनी हो जाएगी। देखो सपोज करो कि ये जो चालक है, समझना, तो मैं कह रहा हूं कि एक आयतन में पांच इलेक्ट्रॉन है,
तो चार आयतन में कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे जब एक आयतन में आपके पांच इलेक्ट्रॉन है तो चार आयतन में 20 हो जाएंगे। कैसे ज्ञात करा? कि चार में आपने मल्टीप्लाई कर दी पांच की। यदि मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन में तीन है तो आठ इलेक्ट्रॉन में, यानी कि एक आयतन में, ये आयतन मैंने कह दिया ठीक है, तो एक आयतन में तीन इलेक्ट्रॉन है तो आठ आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कहोगे तीन गुणा आठ यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपका एक्स आयतन है तो कितने एक्स आयतन में तीन इलेक्ट्रॉन है, समझना। या आप ऐसा करिए एक आयतन में तीन इलेक्ट्रॉन है तो मैं कह रहा हूं एक्स आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहोगे तीन गुणा एक्स यानी कि तीन एक्स, समझ में आ गई। यदि मैं कह रहा हूं एक आयतन में आपके एन इलेक्ट्रॉन है तो एक्स आयतन में कितने होंगे, एन इंटू एक्स यानी कि एन एक्स, समझ पाए बात को। ठीक उसी प्रकार से मैंने क्या कहा है कि एक आयतन, एकांक का मतलब एक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है तो इसके संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, संपूर्ण आयतन में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी एन इंटू और इसका आयतन, ठीक है। आयतन कितना है यानी कि चालक तार का आयतन, ठीक है, तार का जितना भी आयतन होगा उसकी मल्टीप्लाई, एक आयतन है, दो आयतन है, तीन आयतन है। तो अब इसका आयतन कितना होगा, आयतन देखो किसी भी चीज का, यदि मैं ये चालक तार बताए इसकी लंबाई एल और क्षेत्रफल इसका ए है तो आयतन कितना हो जाएगा, आप जानते हो आयतन का फॉर्मूला वैसे होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई और चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल तो ए है और जब मैं ताल ऐसे पढ़ा तो ये लंबाई एल हो जाएगी, यदि ऊपर खड़ा कर दूंगा इस तार को मैंने ऐसी नोट कर लूंगा तो जो एल थी वही ऊंचाई बन जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा ए इंटू एल। किसी भी इस तरीके का जो आएगा जिसका क्षेत्रफल दे रखा है और एल दे रखा है तो उसकी ए इंटू एल कर देंगे तो उसका आयतन निकल जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना साइड में। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ए इंटू एल, क्लियर होगी बात। इसकी जगह साइड में लिख देना कि तार का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा ए इंटू एल, ठीक है, समझ में आ गई। ए इंटू एल क्यों, क्षेत्रफल इंटू लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे इतने इलेक्ट्रॉन है इसमें तो इसमें आवेश कितना होगा संपूर्ण तार में, यानी संपूर्ण तार में आवेश कितना होगा, तो आवेश का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी ली जाएगी, यहाँ पे स्मॉल एन ली जाएगी क्योंकि इसमें संपूर्ण तार में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, कैपिटल एन इंटू ई, और कैपिटल एन का मान कितना है, कैपिटल एन का मान है एन ए एल, एन ए एल, और इसमें ई आपका जो रख दिया ई, ठीक है, तो ये Q का मान निकल आया, ठीक है, Q निकल आया। हमें तो क्या चाहिए थे, मैंने क्या बताया थी, धारा निकालनी है, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तब वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, वैद्युत धारा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आपको पता है Q का मान कितना था, एन ए एल ई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा टी, इसको समीकरण एक मान लो। यहाँ तक समझ में आ गया तो ये डेरिवेशन पूरा खत्म हो गया, एक बार और रिवीजन करा दूंगा मैं, पहले रिवाइज बाद में कराऊंगा, पहले इसको देखो जरा, ठीक है, ये आगे आई। फिर हमने क्या बताया था, वीडी का फॉर्मूला लो, तो देखिएगा एक परिभाषा होती है वेग की, परिभाषा क्या कहती है, वेग की परिभाषा क्या कहती है, वेग बराबर होता है नॉर्मली आपका, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। वेग हमने यहाँ पर क्या माना है, वीडी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वीडी वेग से चल रहे हैं, जब वेग इसका वीडी है, और हमने क्या कहा है, देखो समय धारा निकाली थी, यानी यहाँ से यहाँ तक आवेश आने में कितना समय ले रहा है टी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, क्योंकि आवेश और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर भी तो कहते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि इधर आए तो उसमें कितना समय लगाया है टी, तो समय तो हो गया टी, और विस्थापन कितना चला, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चलने में कितना विस्थापन तय करेंगे, तो विस्थापन तो इसका एल हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की सीधी जो दूरी होती है, कम से कम दूरी यहां से यहां तक की कितनी, एल है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का, एल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल अपॉन टी हो गया। तो अब देखिएगा, या तो यहां से टी का मान निकाल के यहां पर रख दीजिए, या इसका मान यहां पर रख दीजिए, तो यहां से टी का मान निकाल ले रहा हूं, टी का मान मैंने यहां से निकाला तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी डी हो जाएगा, ठीक है। ये मान
आप यहाँ पर रख दीजिए समीकरण एक में। अब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या थी, I बराबर आपका एन ए एल ई अपॉन क्या था, T था, और T की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, ये L अपॉन वी डी रख दूंगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, जो नीचे वाली चीज तो ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण कुछ एन ए, ये देखिएगा इस तरीके से ये अलग है। ठीक है, चलो मैं नीचे एक लाइन और नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एन ए एल, और ये वी डी ऊपर चला जाएगा ई, और ये क्या हो जाएगा वी डी हो जाएगा, नीचे क्या एल बचेगा। ठीक है, और ये एल आपका, एल से एल आपका कट जाएगा, तो ये आई था, तो आई बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दूं मैं, तो ये देखो ये आपका ये नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, तो आई बराबर ये हो जाएगा आपका एन ए वी डी। यही क्या है, इसी को हम कहते हैं, यही आपका अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। लिख दोगे यही अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो आपको दिखाई दे रहा, पहले एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, देखिएगा अब और अच्छा दिखाई दे रहा होगा, मैंने मोबाइल नीचे कर दिया है, तो देखिएगा ये हमने, अब मैं एक बार पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं, आपको समझ आ चुका हूं। देखो हमें धारा अनुगमन वेग और आई यानी कि धारा में संबंध चाहिए था, तो हमें भैया आई का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वीडी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, तो ये क्यू, और क्यू का भाई फॉर्मूला होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है आवेश के यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू ई, यानी क्यू बराबर क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई होता है, और एक आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी तो ये निकाल पाओगे। देखिएगा हो गई चुटकी होंगे यार, कि हमने माना कि ये कोई तार है, चालक तार, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा इसकी लंबाई l है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, जैसे बैटरी से जोड़ा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये चलने लगते हैं, धन आवेशित सिरे की ओर चलने लगते हैं, यानी कि और जिस वेग से ये चलते हैं उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि माना चालक तार के एकांक आयतन में, यानी कि एकांक आयतन में हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कह दिया कि एकांक आयतन में n स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, जब इसके एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो इसके टोटल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता है कि यदि मैं कहूँ एक आयतन में तीन इलेक्ट्रॉन है तो संपूर्ण आयतन, चार आयतन में कितने होंगे, आप कहोगे 12, एक रुपए की चार टॉपी आती हैं तो पाँच रुपए की कितनी आएंगी, एक रुपए की चार आ रही हैं तो पाँच की 20 आएंगी, क्योंकि उसमें गुणा कर दी। इसी तरीके से कि एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो चालक तार की संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका देखिएगा n इंटू तार का आयतन, तार का आयतन कितना है, तार का आयतन है a इंटू l, तो n के साथ में मल्टीप्लाई कर दी a l की। ठीक है, क्लियर होगी बात, इस चीज को आप लिखना चाहो तो इस वाली चीज को इसके बीच में भी लिख सकते हो, इसके साइड में भी लिख सकते हो, या इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई तो तार में आवेश भी पता होना चाहिए, तो आवेश बराबर क्या होता है, एन ई होता है। स्मॉल एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्मॉल एन नहीं, यहाँ पर तो संपूर्ण तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है, तो एन ई, एन का मान रख दिया और ई आपका रख दिया। अब धारा निकाली, वैद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू का मान रखता है एन ए एल ई बटे टी। ठीक है, ये समीकरण एक बना दी हमने, आई का मान निकाल लिया, अब वी डी का मान निकालेंगे, क्योंकि वी डी क्या है, वेग है, हमने माना वेग की परिभाषा से वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहा है तो इसका वेग कितना, वी डी अनुगमन वेग, तो इस समय इसमें विस्थापन कितना है, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कम से कम दूरी कितनी है, तो सी डी माप हो गए, तो विस्थापन कितना एल, और समय यहाँ से यहाँ तक समय कितना, जो हमने धारा में लगाया था वही समय लेंगे हम टी, यहाँ से टी का मान निकाला, टी इधर जाएगा वी डी इधर आ गया, बायोलॉजी वाले यहाँ से समझ लिया, टी इधर लेगा वी डी इधर आ गया, तो ये जो आपका जो मान आया है ये वाला, ये वाला टी का मान मैंने इस वाली समीकरण में रख दिया, समीकरण एक में रखने पर टी का मान समीकरण एक में रख दिया, ये आपका समीकरण ये था एन ए एल ई बटे
टी था और टी की जगह पे आपका ये आ गया, ठीक है, एल बटे वीडी, वीडी ऊपर चला जाएगा आपका, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे एल बचेगा, ये आ गया, और यही आपका क्या है इस तरीके से, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो ये चीज देखिएगा, ये आपका आई बराबर एल से एल कट गया एन ए ई वी डी, ठीक है, तो यही आपका, यही अनुगमन वेग तथा धारा, यही क्या है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है, यही क्या है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध है, ठीक है, वैद्युत धारा घनत्व तो नहीं, वैद्युत धारा में, क्योंकि आई देखिए हमने क्या बताया थी शुरुआत में, संबंध का मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये दोनों चीज आ रही हो, तो देखो एक तो ऐसा फॉर्मूला इसमें देखो ये अनुगमन वेग आ गया, इधर धारा आ गई, क्लियर होगी ना होगी बात, तो ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर दोस्तों शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और नोट्सों की मैं बात बता दूं आपको, नोट्स इस चैप्टर के और फिजिक्स के तीन चैप्टर और केमिस्ट्री के तीन चैप्टर, यानी कि पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे तीसरे, छह के छह चैप्टर के नोट्स नीचे दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और सभी को एक मस्त सी फाइल बना लेना, ठीक है, समझ यहाँ से लो, नोट्स वहां से मिल जाएंगे, इससे ज्यादा बेटर आपकी तैयारी कोई नहीं करा सकता है, प्रत्येक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, इसका कल आपका इस वाले डेरिवेशन का टेस्ट होगा, ठीक है, कल इसका टेस्ट है आपका, ठीक है, क्लियर होगी बात।